जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। आज पड़ोसी मुल्क अपनी आज़ादी का दिन मना रहा है, लेकिन निशाना भारत पर ही साध रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अब जिहाद की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर भारत युद्ध करता है तो उनके पास जिहाद और मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है और उनका हर दम साथ देने को तैयार है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग कश्मीरियों की मदद करना नहीं रोकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर इस तरह का फैसला लेकर संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।